हाँ दोस्तों, आने वाले दिनों के विच पहाड़ों के उपर किस तरीके का मौसम रहेगा, मुख्य तौर पर उस बारे इस वीडियो गल करांगा। ते नाल कुछ किसान वीरां नूं बेनती है। मैं हाँ कुलदीप सिंह शेरगिल, मरखाई फतेह साहिब पाउणे, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किसान दोस्तों, जेकर असीं अगे एक लंबी झात मारीए, असीं अगले 3 दिन तक के मौसम में देखिए कि मीह कित्थे किन्ना कु पै सकदा है, तां सानूं इह दिखाई दे रहा है कि आ जिहड़ा साडा हिस्सा हैगा है उत्तर पछम, इधर वर्खा दियां कारवाइयां घट ही है। भावें कि विच नीला नीला दिसदा कि पंजाब के कुछ हिस्से, हरियाणे के कुछ हिस्से वर्खा हो रही है, परंतु आ जिहड़ा पीला रंग तुहानूं दिख रहा है नेपाल के उपर ते यूपी के उपर, ये खतरनाक है। जे तुसीं इहदे विच उपर नूं पहाड़ां ते देखदे हो, तुहानूं दिखदा कि पहाड़ां के उपर गूढ़ा रंग है जिहड़ा दिखा रहा कि वर्खा वध सकती है। जे असीं अगले 5 दिनां की झात मारदे हां तां पहाड़ां दे उपर वर्खा है पंजाब दा, ते इह जिहड़ा अपना दक्खण पछम ते नाल गंगानगर हनुमानगढ़ है, हरियाणे दा दक्खण पछम हिस्सा हैगा, तां ज़्यादातर हिस्से दे विच वर्खा घट ही है। ये नहीं कि वर्खा नहीं होएगी, वर्खा होएगी लेकिन वर्खा घट है, परंतु पहाड़ां दे उपर फिर वर्खा है। एक चीज़ तुसीं इधर निगाह मारो कि जिवें असीं गांह जा रहे हां तां आ नेपाल ते ये सारे हिस्से दे विच वर्खा जिहड़ी है गुलाबी गुलाबी रंग है, ये दिखा रही कि काफ़ी ज़्यादा वर्खा होएगी। जे 10 दिन का भी असं देख लें, 10 दिन के पहाड़ों के कुछ पॉइंट है जिथे मीह ज़्यादा पै रहा है, परंतु वो भी माड़ा हाल जो है नेपाल वाले पासे हो रहा है, तो फिर की दसदा है? ये दसदा है हड़ां की मार झल रहे पंजाब के उपर एक बारी आफत होर आ सकती है, परंतु उस तो भी वड्डी आफत जी हैगी है यूपी बिहार इस एरिए देखने मिल सकती है, जेकर इस तरीके नेपाल के उपर मीह पै गया। तो गल करिए जी असी हिमाचल की, हिमाचल दे विच 2021 2 दिन वास्ते भारी वर्खा की ऑरेंज कलर की वार्निंग जारी हो गई है। 2021 नूं कुछ थावां दे उत्ते भारी त्यों अति भारी वर्खा हो सकती है, परंतु ये जिहड़ी वर्खा हैगी है ज़्यादा एरिया कवर नहीं करेगी, एरिया घट कवर करेगी। हालात ये है कि 22, 23, 24, 25 जिहड़ी वर्खा ये ज़्यादा एरिया कवर करेगी, तो 22, 23 के नेड़े भी जिहड़ा हैगा भारी वर्खा की वार्निंग पहाड़ों के आ गई है। मतलब कि अगे पहाड़ों के हालात कोई चंगे नहीं है जे आपां ये देखिए। तो जेकर असी कैचमेंट एरिया देखिए जिहड़ा पानी उपरों डैमां 'च आउणा है, आपां 3 भागां 'च वंडदे हां। पहला तो रावी नदी है, रावी के उत्ते अपना रणजीत सागर डैम है, दूजा हैगा ब्यास जिहदे उत्ते पौंग डैम है, तो तीजा हैगा तुहाडा सतलुज जिहदे उपर भाखड़ा डैम है। ठीक है, हुण जे आपां देखिए कि रावी नदी का जिहड़ा रणजीत सागर डैम के हालात की है, तो यह दसदे है 2021 नूं अति भारी मीह पै सकदा कांगड़ा के एरिए 'च, तो 22 नूं भारी मीह है। चंबा के एरिए दे विच 20 ते 22 नूं भारी ते 21 नूं अति भारी मीह पै सकदा, जिहड़ा पानी उहना रणजीत सागर डैम 'च, हालात चंगे नहीं लगते। हुण जे तुसीं ब्यास नदी की गल करोगे जिहड़ा पौंग डैम 'च पानी आउणा है, तो इहदे विच तुसीं मंडी अते कांगड़ा इत्थे 20 ते 21 नूं अति भारी ते 22 नूं भारी वर्खा हो सकती है, हमीरपुर एरिए 21 नूं अति भारी ते 20 ते 22 नूं भारी वर्खा हो सकती है। तीसरा रह गया जिहड़ा है कुल्लू एरिया, अगला कुल्लू दे विच भी इत्थे भारी वर्खा हो सकती है। कहने का मतलब कि ब्यास का जिहड़ा कैचमेंट एरिया है उत्थे भी जिहड़ा है वार्निंग आई हुई है अति भारी वर्खा की, तो यह जिहड़ा है जे इस तरीके नाल वर्खा हो जाती है तो हड़ की मार चल रहे पंजाब वास्ते माड़ी गल है। तो अगे सतलुज का हुण भाखड़ा डैम जिहड़ा पानी आना सतलुज का उहनूं देखिए, कनौर दे विच कोई बहुती वार्निंग नहीं हैगी, कुल्लू दे विच भारी वर्खा लेकिन वार्निंग है नहीं गी, शिमला ते मंडी इहदे नाल नाल बिलासपुर इत्थे जिहड़ा हैगा अति भारी वर्खा की वार्निंग 20 ते 21 दे लई है, ते भारी वर्खा की वार्निंग 22 दे लई है। उन्हां दे विच 20 ते 22 दे लई भारी ते 21 दी अति भारी वर्खा की वार्निंग है। तो दोस्तो जे एक ही हालात रहिंदे है तां फिर पंजाब वास्ते चंगी खबर नहीं हैगी, डैमां दे विच पानी फिर वधेगा, फिर स्थिति होगी। हुण तुहानूं मैं की बेनती करनी चाहुंदा, तुहाडे अगे मेरी एक बेनती है भराओ कि हालात चंगे नहीं हैगे, इहदे करके तुसीं अपने अपने इलाके दे विच हड़ पीड़ितां दे लई दुबारा तो रसद इकट्ठी करनी शुरू करो। दुबारा तो रसद इकट्ठी करके हुण जिहड़े नवें एरिए हैगे है इस एरिए वाले पासे नूं तुहानूं वधना पएगा, हरीके तों लै के फाजिलका तक का जिहड़ा हैगा काफ़ी एरिए 'च नुकसान है, उपर गुरदासपुर वाले पासे नुकसान हैगा, तां इस एरिए वास्ते अपनियां तैयारियां दुबारा तो खिंच लो।
ਹੁਣ ਪਨੀਰੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਝੋਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਚਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰੇ ਪੱਠੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤੂੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਵਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਇਆ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗੜੇ ਆ। ਕਈ ਏਰੀਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਗੱਟੀ ਰਾਜੋਕੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਣੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ ਆਪਣੇ, ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਲਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਉਵੇਂ ਹੱਥ ਹੁਣ ਵੀ ਫੜੋ। ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਪੈਸਾ ਸਿੱਟੋ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੈਸਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪਿਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਫਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਭਰ ਜਾਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਆ ਕਿ 3 ਵਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਸਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ, ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਪਿੰਡ ਵੰਡ ਲਓ, ਪਿੰਡ ਵੰਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਫਾਹਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਭ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੋਸਤੋ।